एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी स्ट्रेसफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कांदा पोहा, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत शौक से लोग खाते हैं। और ब्रेकफास्ट का नाम आए और पोहा ना पसंद करे कोई, ऐसा हो नहीं सकता। मोस्टली लोगों को पसंद है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाले कप से मैंने मेजर करके ना 1.5 कप पोहा लिया है। इसको फ्लैटेंड राइस भी बोलते हैं, और बहुत ज्यादा पतला ना हो ये, मतलब थोड़ा सा थिक हो, ताकि वो घुले ना, उसकी लुगदी जैसे ना बने। ये मैंने खूब सारा धनिया लिया है, हाफ बाउल काट कर धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। 2 बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, आप आधा चम्मच कर सकते हैं इसको। ये देखिए, 2-3 टेबल स्पून मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है। 1 हरी मिर्च को काट लिया है। आधा चम्मच राई है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 2 पिंच हींग यूज करेंगे, और 2 पिंच ही हल्दी यूज करेंगे। कम डालते हैं हम हल्दी इसमें। आधा चम्मच जीरा, आधा लेमन, नींबू, और ये मैंने गार्निश करने के लिए रखा है। 1 चम्मच मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है। 1 चम्मच ग्रेटेड नारियल है। कुछ भुजिया है, ऑप्शनल है, और नींबू के स्लाइस से हम इसको डेकोरेट करेंगे। और थोड़ा हम जो भी आप ऑयल खाते हैं वो ऑयल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पोहा है इसको कैसे धोते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पोहा जो है, हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और आप देख रहे हैं इसका पानी, देखिए पानी जो है गंदा है, तो 2-3 बार हम इसको धो लेंगे, 2-3 बार। तो ये देखिए, 2-3 बार हमने इसका पानी निकाल लिया है, और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ज्यादा देर हमें नहीं रखना है, भिगोना नहीं है, बस इसको धोना है। तो ये छलनी में हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो हमने ये 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये आधा चम्मच जीरा, आधा से 1 चम्मच आप यूज कर सकते हैं, मैंने आधा चम्मच लिया है। ऊपर से डाल रहे हैं हम इसमें ये राई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये देखिए, 1 हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। तो कड़ी पत्ता मैं आपको दिखाना भूल गई थी, महाराष्ट्रीयन डिश है, महाराष्ट्रीयन पोहा है कांदा पोहा, तो कड़ी पत्ता डलेगा। और इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें ये प्याज, क्योंकि कांदा पोहा है तो प्याज थोड़ी हमने ज्यादा ली है, मैंने 2 प्याज ली है। और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये बना पा रहे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे हम 2 पिंच हींग, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप जरूर अपना ध्यान रखिए, हेल्थ है तो सब कुछ है। अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। तो देखिए, ये बना रहे हैं हम आज यमी से लगने वाले पोहा। अगर आपको कोई रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो रेसिपी देने की कोशिश करूंगी। और यहाँ जो महाराष्ट्र से नहीं है, जो नहीं जानते हैं, कांदा मतलब प्याज, प्याज को कांदा बोलते हैं। तो ये प्याज जो है हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है, थोड़ा सा भुन गई है। इस समय हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, ऑरेंज ऑरेंज पोहा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पोहा का ना लाइट येलो कलर ही होता है। तो ये डाली है हमने हल्दी, हल्का सा इसको भूनते हैं। और इसमें डालेंगे हम पीनट्स, आप रेड वाली पीनट्स भी ले सकते हैं, जिनका छिलका होता है उनको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास ये रोस्टेड पीनट पड़ी थी तो मैंने इनको ले लिया है, और इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये जो शुगर है, चीनी, ये डाल देंगे हम, और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक। आप चाहें तो पोहा में भी ऐड कर सकते हैं पहले जब आप भिगोते हैं, बट आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और हमारा प्याज हो गया है तैयार। अब हम डालेंगे पोहा, और ये देखिए पोहा, आप अगर वैसे नहीं धो पाएंगे ना तो आप ऐसे जाली में भी धो सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है और खिला खिला बना है और गल भी गया है,
ये देखिए मैश भी हो रहा है, गल गया है अच्छे से, देख रहे हैं ना आप। तो ये अब हम डाल देंगे, देखिए कितना खिला खिला है, देख रहे हैं ना। तो ये एक तरीका है पोहा धोने का, भिगोने का। और इसको करते हैं अब अच्छे से मिक्स। इसको जेंटली आप मिक्स करें ताकि वो मैशी ना हो, है ना। तो पोहा चूज करते समय ध्यान रखें बहुत पतला पोहा ना हो, नहीं तो वो कांदा पोहा बनाते हुए ना वो मैश हो जाएगा, चिपक जाएगा बिल्कुल। और ये देखिए परफेक्ट येलो कलर इसका आया है। ये देखिए एक मिनट हमें भूनते हुए हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम डालते हैं इसमें ये धनिया, कटा हुआ धनिया खूब सारा। और इस पोहे का स्वाद बिल्कुल अलग आता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एकदम खिला खिला हमारा बाजार जैसा, घर जैसा पोहा तैयार है। और आप इस तरह से जरूर बनाकर देखिएगा। पहले मैं हमेशा कहती हूँ पहले कम चीज बनाइए, थोड़ी चीज बनाइए और फिर उसको ट्राई कीजिए, तो फिर आपकी ज्यादा भी अच्छी बनेगी। यानी अगर ज्यादा पोहा ले रहे हैं तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई लें। और ये देखिए अब हम इसे खुला ही 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम करते हैं गैस को ऑफ। और वैसे तो हम लेमन जो है वो साथ में देंगे स्लाइस, बट थोड़ा सा आप इसमें भी डाल दीजिए। इसको हल्के से मिक्स कर दीजिए, कोई मसाला नहीं है। आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं, बट आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए बहुत खिला खिला पोहा बना है, मूंगफली की गिरी है, धनिया है, हरी मिर्ची है, करी लीव्स हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए पोहा जो है वो बहुत यमी लग रहा है। अब हम इस पे थोड़ी सी ये भुजिया डालेंगे, ऑप्शनल है। और ये ग्रेटेड कोकोनट और लेमन स्लाइस से गार्निश करेंगे। तो लग रहा है ना यमी पोहा, करेंगे ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।